अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद आफ्ताब हुसैन और मैं आया हूँ पिल्लू के घर। कैसे हैं आप सब? तो गाइस कैसे हैं आप? सरप्राइज है आपके लिए, सैयद आफ्ताब हुसैन मेरे घर आया हुआ है और उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि ना इंसिस्ट है कहने नहीं इंसिस्ट किया हमने। अच्छा इंसिस्ट किया। तो ये है कि हमने मिलके एक प्रोग्राम बनाया, मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि मिलके हमने प्रोग्राम बनाया कि हम जो है ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल मेरा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे एक मेच्योर बंदा नहीं मिल रहा था, तो इसलिए अब मेरे ये जो मेरा दोस्त है बहुत ज़्यादा मेच्योर है यार, तो चोर तो नहीं है लेकिन मेच्योर है तो इसलिए जो है ना अब हम यूट्यूब चैनल जो है ना स्टार्ट कर चुके हैं और ये हमारा यूट्यूब चैनल जो होगा वो होगा रिएक्शन के लिए और वीडियोज़ हम उठाएंगे, हम अपनी वीडियोज़ उठाएंगे। बिल्कुल हम अपनी वीडियोज़ उठाएंगे। पहले तो मैं सोच रहा था कि तुम मेरी एक दो और तारीफें कर लेगा, उसके बाद मैं जाके शुरू करूंगा। मेरे भाई जितना तारीफ का मैं तेरी तारीफ है, मैं तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ नहीं बस यार, ऐसी तारीफ पे तारीफ नहीं चाहिए हमें। ओ यार ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं आपको बताऊँ सैयद आफ्ताब इंतहाई मतलब कि बहुत अच्छा दोस्त, मेरे मुँह से थूके निकल रही नहीं तो ये है कि बहुत अच्छा मेरा दोस्त है और उसके बाद ना सिर्फ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बल्कि मेरे दोस्तों में आई थिंक सो दैट ही इज सो मच क्वालिफाइड एंड कुछ भी सर थैंक यू सो मच। मैं अब बिल्लू भाई की तारीफें करने लग गया तो फिर ये बस कर मेरे भाई, बस कर, स्टार्ट कर, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। हम ये रिएक्शन वीडियोस बनाएंगे जिसके बाद हम ना अपनी वीडियोस के ऊपर ही रिएक्शन देंगे क्योंकि हमने अपना कंटेंट ही चूज़ किया है क्योंकि लोगों का ताकि बाद में इतराज़ ना रहे इस बात पर कि भाई आप लोगों ने हमें बैड कमेंट्स दिए हैं या गुड कमेंट्स दिए हैं, तो इस चीज़ को हमने डिनाई कर दिया टोटली और हम अपना कंटेंट उठाएंगे और हम उसी के ऊपर ही रिएक्शन देंगे आप लोगों, और इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, होगा बहुत ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि आपको जो है ना हमारी कमेंट्री एंजॉय करने को मिलेगी और ये है कि मेरे ख्याल में इनको सीखने के लिए भी जो जूनियर्स हैं टिकटॉकर, जूनियर टिकटॉकर्स हैं, उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। और मैं आपको बताऊँ कि इस चैनल में मैं टिप्स भी दूंगा। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निक। मतलब बिल्कुल हम एट द एंड रिएक्शन देने के बाद हम ना बिल्लू भाई से एक क्वेश्चन करेंगे। हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन होगा कि भाई बिलाल भाई ने स्टार्ट कब लिया और उनकी ना फेमस होने के पीछे राज क्या चीज़ है, यानी कि उन्होंने कैसे कंटेंट चूज किया। हाँ और आपके जहन में जो सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही भूलना। चले हम स्टार्ट करते हैं। अब हम करने लगे हैं स्टार्ट अपनी ही वीडियोस के ऊपर रिएक्शंस, तो देखते हैं कि बिलू भाई के रिएक्शंस अपनी वीडियोस के ऊपर कैसे आते हैं और मेरे रिएक्शंस और लोग क्या कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस पे, ये भी देखना मतलब कि जरूरी होता है कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं सोसाइटी में। ठीक है जी बिल्कुल, तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलने दे चलने दे भाई, तो ना किसी और वीडियो को करते हैं यार। नहीं भाई ये चलने दे भाई, ये बकरी कहाँ से ली थी तूने? बकरी मेरे हमसाय के यार पीछे एक जनरल स्टोर है और उसके बाद उनके पास काफ़ी सारी बकरियाँ हैं, तो उसके बाद वहाँ से मैंने जो है एक बकरी अच्छा इसकी कमेंट फुल कमेंट उधार ली थी ताकि मैं एक वीडियो बना सकूँ। हाँ जी ये कमेंट आ गए, ये नहीं मेरे भाई। अच्छा भाई अनम कुरैशी बोलते हैं जी। और ये देखिए ये जो पीछे ये जो ये क्या होता है, क्या होता है गुलदान, ये जो है ना मेरे घर में रखा था। अनम कुरैशी साहबा बोल रही हैं कि बस इसी फैशन की ही कमी थी। हाँ जी इसी फैशन की कमी थी क्योंकि ये जो फैशन है ये आने वाली, मैं आपको बताऊँ ये जो मेरे जलवा है ये बहुत ज़्यादा टॉपिक गया था, ट्रेंडिंग में आया था। और दूसरी बात ये है कि इस किस्म का जलवा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, तो ये जलवा बहुत ही टॉप क्लास का है। जो पुराने कपड़े आपके पास, बस कर अपनी बुरी चीज़ों को डिफेंड करना छोड़ दे, जो आपके पास पुराने कपड़े होते हैं ना उनको मैंने ये बताया है कि किस तरह से आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से दोबारा से इस्तेमाल में अपना ला सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। अच्छा आगे जी कह रहे हैं एक बंदा, बकरी ने बड़ी कोशिश की जलवा बिखेरने की मगर तू खुशकिस्मत रहा बच गया। बच रहा तू जलवे का तलवा हो जाता। इतने अच्छे ड्रेसेस
नहीं नहीं मुझे ये बताओ, अगर ये वीडियोस इनको गंदी लग रही है तो इनके पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है कि आपकी वीडियोस पे आके कमेंट करते हैं? भाई डेफिनेटली जो वीडियो ऐसे मतलब की होती है क्रिंज कंटेंट में आती है या फिर जो मतलब कि एक अजीब सा कंटेंट होता है, जहरी बात है, उसको देखने में भी मज़ा आता है यार लोगों को, उसमें करने टाइम पास अच्छा होता है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि वो जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स को करने में ना सिर्फ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अब मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कमेंट्स रीडर भी बहुत ज़्यादा होंगे। ये देखिए आप, एक कमेंट पे 347 ये लाइक्स हैं। कोट वाला बेस्ट है, वो कहते हैं कि बकरी वाला जो आपने एक्शन किया ये तो बहुत ही चलें। कोई और वीडियो देखते हैं। अच्छा और वीडियो देखते हैं। ओ ये फिर से जलवा आ गया। अच्छा ये आप कहाँ, ये स्टाइल, ये दोबारा दोबारा रिप्ले। हाँ जी दोबारा ये स्टाइल मेरे भाई, ये चीज चेक करें। कभी आपने दरवाजा खोला है? ना भाई हमसे तो ना खोला जाए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं खोला होगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक और वीडियो की तरफ जाते हैं हम, ये भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा चली थी, है ना? हाँ ये भी बहुत है। ओ, ओ, ये डांस वाली है। हम ये क्लास में थे उस दिन, मुझे याद है कि हम जो है ना बहुत तुझे देख के ना मुझे भी डांस करने का दिल कर रहा है। हाँ और मैं तुझे बताऊँ यार, मैं जब म्यूजिक सुनता हूँ तो मेरे ऐसे अपना हम दांग हिल जाते हैं। मैं बस दिल करता है मैं डांस करता हूँ। तो ये जो है ना उस दिन की बात है जब हमारा टीचर जो है ना छुट्टी पे था। सही है। और ये डांस भी माशाल्लाह आप अच्छा कर रहे हैं यार। किसका कॉपी किया था? मुझे तो ये इकबाल के जहाज लग रहे हैं। शाहीन नहीं मशीन। हाँ इकबाल की मशीन है भाई। पाकिस्तान के मुस्तकबिल रोशन सितारे। क्या कहूँ, कहते हैं मैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। ये कह रही है लैला। भाई अल्फाज नहीं है तो फिर आए क्यों हो? ना आती तुम। जब अल्फाज नहीं तो कमेंट में क्या करना है? ओ आगे वाला कमेंट पढ़ो। हाय कतरीना कैफ का भतीजा। हाँ जी किसने किया जी? रोमांटिक का था। वाह रोमांटिक का था, आपका तो नाम ही रोमांटिक है। अफसोस की बात है, मुझे कतरीना कैफ का भतीजा बना दिया जाए। कतरीना कैफ ही बोलना चाहिए था तुमने। कतरीना कैफ ही बोले मुझे ऐसे। क्लास टीचर छुट्टी पे गया हुआ है क्या? लगे रहो लगिया रहो बंदरियां, बस तुम लोगों की कमी थी। ये मावरा कह रही है। मावरा आप खुद बंदरी होगी क्योंकि आप बिलू भाई को आप शीशा देखती होंगी ना तो फिर बंदरी नजर आता है। जो बंदा खुद होता है ना वो दूसरों को भी ये वही नजर आता है। दूसरे जो होते हैं वो उसको वही नजर आते हैं जो खुद होता है। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि लानत है ऐसे नौजवानों पे। यार ये क्या बात हुई? अच्छा ये देखें आप, लानत है ऐसे नौजवानों पर। भाई तू देखने क्यों आया है? अच्छा तूने देखता है तो फिर इग्नोर कर ले, स्क्रॉल कर ले, तो फिर ये तूने क्यों अपना ये कमेंट किया मेरे भाई? अच्छा नहीं इसलिए जिस बंदे ने ये कमेंट किया है उसने कभी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया होगा। जरूर किया होगा। तो फिर इंसान गलती का पुतला है और वो गलती जरूर करता है। इंसान को अपने गिरेबान में रहना चाहिए। हमको इतना बुरा कंटेंट, ये डांस ही है ना, आप जाकर मूवीज नहीं देखते मेरे भाई? आप क्रिंज कंटेंट उठा के देखें टिकटॉक पे तो बहुत ज्यादा। वो आजकल मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पता नहीं कौन सा है वो, ऐसे अजीब सा है, गंजा सा है। तो वो जो है ना अजीब सा उसका क्रिंज कंटेंट है यार। वो तो होमोसेक्सुअल थीम्स दे रहा है। अच्छा हां फाइनली न्यू खुसरा हैज बॉर्न। फाइनली क्या भाई? हाँ फाइनली। अरे नहीं मेरे पास, मेरी बात ये बता, जो कमेंट करे ना शहजाद खुसरा। हाँ जी शहजाद खुसरा। फाइनली न्यू खुसरा हैज बीन बॉर्न। पहले से आप खुसरे मेरे ख्याल में मौजूद थे, आप अब आप कह रहे हैं आखिरकार एक और खुसरा आ गया है। चलिए ये मैं समझ गया आपके कमेंट, आपका कमेंट ऐड करना चाहूंगा। आपने चेक किए बाकी? हाँ दूसरी बात यह है कि जो ओल्ड खुसरा था वो कमेंट कर रहा है। हाँ, और वही कमेंट कर रहा है कि द न्यू खुसरा हैज बॉर्न। चलिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल रोशन सितारे, ये बन गए प्रोफेसर डॉक्टर। परफेक्ट क्लास में एक एंटीक पीसेस जरूर होते हैं। देख लें ये चीज मेरे को, ये आपको नजर आ रही है एंटीक। हाँ ये देखिए आप, ये बड़ा अच्छा कमेंट है, मुझे बहुत ही मजा आया। और उसके बाद यार हर वक्त बंदा स्टडी करता रहे तो बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा यार। ये चीजें लाजमी होनी चाहिए और इन चीजों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। ओ काशिफ रेली कमली खुसरी। ओ हो ये फिर अच्छा से बिलाल भाई छोड़े इस बात को, हमारी वीडियो वैसे भी लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा।
हम ना आपसे एक दो क्वेश्चन करना चाहेंगे। हाँ जी जरूर क्वेश्चन करें। जो मतलब लोग पूछते रहते हैं ना जहाँ पे वीडियोस बनाने जाएं तो बिलाल वैसे क्वेश्चन होते रहते हैं, या फिर लाइव आ जाएं कभी लाइक पे तो तब भी क्वेश्चन यही होते रहते हैं कि पहली बात यह है कि आपने डांस कहाँ से सीखा, दूसरी बात यह है कि आप कौन सा कॉन्टेंट यूज़ करते हैं फेमस होने के लिए, और कौन सा कंटेंट यूज करके आप फेमस हुए। डेफिनेटली यही तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। हाँ जी, ये जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा कि कौन सा कंटेंट हम उठाएं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा फेमस हो सके, तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि कॉमेडी को उठाएं। सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी ही वो थीम है जो आपको मतलब महीनों में नहीं बल्कि दिनों में बहुत ज़्यादा फेमस कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि कॉमेडी पाकिस्तान में ज़्यादा चलती है यार, देख रहे हो आजकल मतलब जैसा माहौल बना है ना पाकिस्तान का, एक तो कोरोना ने दिमाग खराब किया हुआ है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है हर बंदा, और हर बंदा कोई ना कोई चीज ढूंढ रहा है मुस्कुराने के लिए, अपने जहन को रिफ्रेश करने के। लेकिन बहरहाल कॉमेडी बहुत ज्यादा चलती है ऐसा। हाँ, कॉमेडी बहुत ज्यादा चलती है, और उसके बाद कॉमेडी में आपको मतलब ये इसमें कोई एज भी नहीं होती, ठीक है। आप कोई फैशन बनाते हैं या कोई टिप्स बनाते हैं वो तो एज लिमिट एक लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। वो आपको कुछ बंदे देखते हैं, कोई आप सैड स्टेटस दिखाते हैं, वो आप सैड स्टेटस वो लोग देखेंगे जो खुद सैड होंगे, सैड सॉन्ग्स पसंद करेंगे। लेकिन जब आप कॉमेडी बनाते हैं तो उसको हर बंदा देखेगा, ठीक है, बूढ़ा भी देखेगा, नौजवान भी देखेगा, लड़की भी देखेंगे, बुढ़िया भी देखेंगे, हर कोई मतलब देखेगा। आजकल तो ये सीन हो गया है कि बुजुर्ग लोग यानी कि जितने भी हमारी एज फैमिली में मेंबर्स होते हैं ना, अक्सर लोगों ने ना टिकटॉक पे आना शुरू कर दिए। हाँ, और ना सिर्फ टिकटॉक और टिकटॉक पे आना शुरू कर दिया बल्कि मैं आपको बताऊं कि उनको रिस्पांस मिलना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा रिस्पांस मिल गया, बहुत ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है। हाँ जी, तो मैं आपको बताऊं, एक बंदा है टिकटॉक पे, मुझे उसका नाम नहीं आता टिकटॉक पे, तो उसने कोई बाबे को साथ मिलाया, एक डायलॉग उसका होता है तो उसका वो जो है ना मतलब कि उसको भी काफी सबको मिल रहा है। बिलाल भाई नानी वाले भी एग्जांपल देख लो, नानी अपनी नानी को लेके आगे वीडियो बना रहे हैं, बस अब फेमस हो। हाँ जी, अब नानी का क्या काम, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ फेम हासिल करने के लिए। एक लफ्ज भी नहीं बोलती, बड़ी मुश्किल से एक दो बातें कहती है बस, नानी वाले लग गए। तो मेरे ख्याल में इतना काफी होगा आज के लिए। हाँ जी बिल्कुल, इतना काफी, लेकिन जाते जाते आपने लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है, और उसके बाद कमेंट करना है, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपके इस बारे में सवाल हो कि मैं क्या हूँ, कैसे क्या काम करता हूँ, और उसके बाद क्या मेरी क्वालिफिकेशन है, और क्या है, वॉट एवर यू डू हैव द क्वेश्चन यू विल हैव टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो आफ्टर दैट आई वुड लव टू से दैट, क्या कहना चाह रहा था मैं यार, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट करना है, और जाके ये कमेंट करना है कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या चीज़ की कमी थी हमारी इस वीडियो में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ की कमी को दूर कर सकें। हाँ जी टोटली, आपने जितने भी मतलब कि हमारे व्यूअर्स हैं वो टोटली इसको इस मतलब कि चैनल को एनालाइज करें कि मतलब इसका नाम ठीक है, और उसके बाद इस पर हम जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं वो ठीक है, और हमारा एटीट्यूड और हमारे वर्ड्स और हमारी हरकतें ये ठीक है या नहीं है, मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए हमें ज़रूर आप जो है ना बताएं, ताकि हम खुद में मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकें। हाँ जी, कोई भी बंदा इसको आपने हाँ जी सीखे नहीं, माँ के पेट से सीखे नहीं आता, बस उसमें टाइम लग जाता, थोड़ा सा ग्रूम होते हाँ ग्रूम होते थे। और दूसरी बात, और हेल्प करनी। हाँ जी, एक और बात।